खड़े नहीं हो, ऊपर हो तो सही, इतना नीचे। वाओ, मेरा सांस रुक रहा है। ये नहीं कि तुम पानी के ऊपर ही हो, पाँव नहीं लग रहे तुम्हारे लिए। पाँव बिल्कुल बहुत नीचे ऐसे दिख रहा है, लेकिन सीढ़ियां दस है ये। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू बैक माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं स्विमिंग करने, और अब्दुल्ला काफ़ी दिनों से कह रहा था कि हमने स्विमिंग करने जाना है, बट मौसम इस तरह का नहीं था, बारिश हो रही थी, और तकरीबन 10-15 दिन हो गए हैं बारिश, एकदम बारिश होने शुरू हो जाती है और तेज़ हवाएं, और ये जुलाई का महीना है, बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा है, और बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, यानी कि 10-15 दिन पहले थोड़ी सी गर्मी आई थी, अब बट मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। और अभी आज भी सुबह मौसम ठंडा था, बट अब्दुल्ला ने कहा कि आज जो भी हो, बारिश भी हो, हमने मामा स्विमिंग करने जाना है। तो हम आ गए हैं यहाँ, और यहाँ आकर हमने ऑनलाइन अपनी बायोडाटा दिया है, अनवेल्डिंग करवानी पड़ती है पहले से ही, बट हमने पहले से नहीं करवाई थी क्योंकि मौसम इसी तरह का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बारिश का पता नहीं चलता। और फिर हमने यहाँ आके अपना ऑनलाइन अपना बायोडाटा दिया। जब से कोरोना आया है उसके बाद बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई थी, और अब आहिस्ता आहिस्ता शुक्र है अल्लाह का कि सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं, लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, और फिर भी बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं। यहाँ अनवेल्डिंग करवाना पड़ता है, यानी कि अपना बायोडाटा कहाँ से आए हैं आप, एड्रेस वगैरह, और कितने अफराद हैं, नाम, सारा कुछ यहाँ ऑनलाइन अपना बायोडाटा देना होता है। तो यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये स्विमिंग पूल काफ़ी बड़ा है और डिफरेंट है इसमें, यानी कि बच्चों का अलहदा बनाया है, बड़ों का अलहदा। तो यहाँ इसके बाबा आयत को लेकर अंदर चले गए थे, थोड़ा ठंडा पानी था, और पानी में एकदम नीचे किया, काफ़ी डुबकी दिलवाई आयत को, तो वो डर सी गई थी। अब हम जा रहे हैं छोटे स्विमिंग पूल में, जहाँ बच्चों का है बनाया, यहाँ सेपरेटली सबका डिफरेंट बनाया है, छोटे बच्चों का, बड़ों का। हाँ, ये ठीक है। हाँ, ये सही है। ये गर्म है पानी, है ना? वो ठंडा था ना? हाँ, थोड़ा सा ठंडा था। ये बच्चों के लिए टॉप रही है। आये आये ओए ओए बिट्टू। फ्रेंड्स, यहाँ ऐसा ऐसा आयत सेट हो गई थी, और बच्चों को देखकर एंजॉय करना शुरू हो गई थी। शुरू में बड़े पूल में गई है, वहाँ थोड़ा सा पानी ठंडा था, और डर से गई थी एकदम पानी में जाकर, तो अब ऐसा ऐसा सेट हो गई। यहाँ उन्होंने पानी को थोड़ा सा नीम गरम रखा है, गरम है क्योंकि ये छोटे बच्चों का है, और फिर ऐसा इस साइड पे जाएं तो थोड़ा सा गहरा होता जाता है, पानी ज़्यादा होता जाता है, बिल्कुल छोटे बच्चे का इस तरह है, और फिर ऐसा ऐसा, यानी कि बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत बनाया है, छोटे बच्चों का, बड़ों का। Come here, Ayaz.
आई तो आपको मजा आ रहा है हैं? स्विमिंग करने का मजा आ रहा है आयत को? उई 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 उई। आयत को पकड़ लो। उई, ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रहा है बिच्छू? आयत, उई। वो देखो वो आप ही गई, वो आप ही। आयत को पकड़ लो। वो देखो ऊपर से मार। हाँ वो देखो। ये लो फिर। इधर चलना था ना साले। ये 11 है। ठंडा भी है। आप पैर लाग रहा है। बहुत ठंडा है। आयत वाला तो बहुत गर्म था। ये कितना है? तुम खड़े हो सकते हो? खड़े पे खड़े नहीं हो, ऊपर हो। देखो तो सही, इतना नीचे। वाओ, मेरा सांस रुक रहा है। ये नहीं कि तुम पानी के ऊपर ही हो। हाँ, ऊपर ही। पाँव नहीं लग रहे तुम्हारे लिए? पाँव कौन नहीं लग रहे? ये पाँव बिल्कुल बहुत नीचे ऐसे दिख रहा है, लेकिन सीढ़ियां 10 है ये। अच्छा, ये नहीं कि तुमसे ज्यादा गहरा है ये? इतना ज्यादा। फ्रेंड्स, ये काफ़ी बड़ा पूल है, काफ़ी गहरा है, यानी कि आपने देख लिया और सुन भी लिया है कि अब्दुल्ला के पाँव भी नीचे नहीं लग रहे थे। मुझे तो पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं नहीं गई पूल में। और अब्दुल्ला तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। इससे ये सबसे बड़ा है, इधर वो उससे बड़ा। अच्छा, वो ट्रेनिंग हो रही है इधर। अच्छा, फ्रेंड्स, इस साइड पे जो है वो भी बहुत बड़ा और गहरा है। वहाँ स्कूल यानी कि ट्रेनिंग करवा रहे थे, टीचर भी पास खड़ी थी। और फिर हमने टीचर से बात की अब्दुल्ला के लिए, तो उन्होंने अपना एड्रेस दिया और मोबाइल नंबर वगैरह दिया, ईमेल एड्रेस दिया कि आप यहाँ आकर ऑनलाइन आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा शौक है, तो हमने सोचा कि अब्दुल्ला को भी ट्रेनिंग सेंटर में किसी ट्रेनिंग के लिए, स्विमिंग के लिए करवा देते हैं। तो यहाँ से हमने उनका एड्रेस वगैरह टीचर से बात की और बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और बहुत ही खूबसूरत थे। और ये बस मौसम के तकरीबन साल में कोई 2 से 3 महीने होते हैं हमारे पास कि हम इस मौसम को इंजॉय कर सकते हैं गर्मियों में। अदरवाइज़ यहाँ 7 से 8 महीने ठंड ही रहती है, और ये जुलाई, अगस्त और सितंबर में ही हम लोग ज़्यादा आउटिंग घूम फिर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं और स्विमिंग पूल आ सकते हैं। तो आप लोग भी अगर नज़दीक जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो अपने बच्चों को लेकर जाएं, और बहुत ज़्यादा बच्चे इंजॉय करते हैं। वैसे तो बच्चों के स्कूल में भी हर हफ्ते, तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा स्विमिंग करवाते हैं, इनके सब्जेक्ट में शामिल है। और यहाँ स्विमिंग को बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और पाकिस्तान में तो बहुत कम यानी कि लोग स्विमिंग करते हैं। यहाँ बच्चों के स्कूल में भी स्विमिंग बात हैं, और हर हफ्ते बच्चे स्विमिंग स्कूल में करते हैं, सिखाते हैं। तो यहाँ हमने इनकी टीचर से, ये जो ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे, वहाँ उनसे बात की। और फिर हमने, अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा खुश था कि मैंने ट्रेनिंग भी लेनी है और ज़्यादा अच्छी स्विमिंग आ जाएगी। और ये देखें, स्लाइड बहुत ही खूबसूरत, यहाँ डिफरेंट स्लाइड्स थी, बच्चों की अलहदा, बड़ों की अलहदा, और बिल्कुल छोटे बच्चों की। जैसा कि आपने देखा कि आयत के साइज़ के बच्चों की भी स्लाइड थी, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय की।
फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कितना बड़ा और खूबसूरत है, और ये इन्होंने एक साइड पे शावर लगाए हैं, यानी कि काफ़ी डिफरेंट जगहों पे ये शावर लगे हैं कि आप स्विमिंग करने के बाद आएं और अच्छा सा शावर साफ पानी से लें और ड्राई होने के बाद कपड़े अपना चेंज करें। और यहाँ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा था, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बार बार सैनिटाइज कर रहे थे, हर चीज़ को साफ कर रहे थे। और वैसे भी अब तकरीबन जाने का टाइम आ गया है और हम अब जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। अब्दुल्ला यहाँ शावर ले रहा था। हाय फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ चेंजिंग रूम, बहुत बड़ा है। और ये देखिए ये कैबिन बने हुए हैं, साथ कीस लगी है कि यहाँ आप अपने मोबाइल्स और वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ अंदर रूम्स बने हैं, चेंजिंग रूम्स, और काफ़ी बड़ा है। और ये बड़े बड़े इन्होंने कैबिन बनाए हैं कि यहाँ आप अपने कपड़े वगैरह या बैग वगैरह रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये ड्राई मशीन लगाई हुई है कि आप अपने हेयर ड्राई कर सकते हैं। यहाँ ये मिरर के इस साइड पे भी लगे थे और डिफरेंट जगहों पे लगे थे। अब हम आगे हैं बाहर। पिछली दफा तो पैसे थे ना, कभी कभी फ्री होता वो पहले नेट पे दे देते। फ्रेंड्स, आज तो पार्किंग भी फ्री थी और अब हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा लेने। अब्दुल्ला ने आज बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और यहाँ अब परी और उसके बाबा पिज़्ज़ा लेने गए हैं और हम वेट कर रहे हैं। अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है और पिज़्ज़ा हमारा आ गया है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।